डोई वाले विकास खंड कार्यालय में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विज्ञापन भेजते हुए सरकार की NMMS व्यवस्था का विरोध किया है। प्रधानों का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, साथ ही 15वें वित्त की धनराशि का आज तक ग्राम पंचायत को नहीं वितरण नहीं किया गया है। कोरोना प्रोत्साहन के रूप में 10,000 की राशि की घोषणा भी पूरी नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधानों ने कहा, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे जो ये ब्लॉक है इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी जो है बहुत कम रहती है। अब माना उस ग्राम सभा में 5-6 जगह अगर काम चल रहे होंगे तो अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है कि उसको करेगा कौन। दूसरी बात यह है कि अगर हो भी गई, माना किसी एक आदमी को रख दिया गया, तो वो कहाँ कहाँ उसको जाएगा, और मोबाइल कनेक्टिविटी होगी तो काम कैसे कर पाएगी लेबर, किस तरह से काम हो पाएंगे, और वो रोज़ होना है और 2 टाइम होना है सुबह शाम। तो बड़ी दिक्कत है ये NMMS जो सरकार लागू करने जा रही है मनरेगा में। तो हमारे सभी प्रधानों का यही विरोध है कि इसको लागू न किया जाए, इससे बड़ी दिक्कतें हमें मतलब होंगी इसमें आने वाले समय में। तो इसलिए और विकल्प तो चल ही रहा है, जो जैसे होता ही है और पहले से चल ही रहा है, कोई ऐसे काम नहीं हो रहे। समय समय पे जो है सरकार इसके ऑडिट भी करवाती है, कामों में कहीं कोई खामी नहीं होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अनावश्यक जो है परेशान करने वाली बात है, सिर्फ बस और कुछ नहीं है। मेरा नाम पंकज रावत, ग्राम प्रधान कालूवाला। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो ताना सही है कि 1 तारीख से इन्होंने बगैर पंचायत को या किसी को सूचना दिए बगैर 1 तारीख से इन्होंने जो है ऑनलाइन जो वो भर्ती क्या बोलते मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इन्होंने जो है लागू कर दिया, जबकि उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की, ना कोई किसी को ट्रेंड किया, ना हमें जानकारी दी, और सीधा 1 तारीख से, जबकि हमारे पहले वाले काम सुचारू रूप से चल रहे थे, अब 1 तारीख से सबके सब काम बंद है। क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम जो किया हुआ है उसमें ऑनलाइन जो है सुबह एक बार हाजिरी और एक बार शाम को हाजिरी देनी है, 2 टाइम हाजिरी देनी है। उसके लिए ना तो व्यक्ति कोई ट्रेंड किया हुआ, ना कोई वो, क्योंकि एक पंचायत में अगर 10-10 भी काम चल रहे होंगे तो 10 जगह एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, सुबह 10 जगह शाम को, तो व्यक्ति दिन भर ही वही घूमता रहेगा, फिर काफी फिर 10-12 आदमी खड़ा होगा, बैठेगा, काम कब करेगा, तो बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और फिर दूसरा क्या है कि एक वो है कि 20 वर्क से ज़्यादा नहीं होंगे एक पंचायत में। अब पहले क्या था कि अपने जो वर्क पूरे हुए, अपने पूरे काम पूरे करने के बाद आप जो फाइल को क्लोज माना जाता था, बाकी जो पेमेंट आता रहे कोई बात नहीं, काम पूरा हो गया फाइल क्लोज होगी। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि पेमेंट इनकी साल में 1 बार या 2 बार आती है टोटल मटेरियल की और मिस्त्री की, अब जब तक वो पेमेंट नहीं हुई तब तक फाइल क्लोज नहीं होगी।